हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इंटरनेशनल अफेयर्स में। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है इंडिया तुर्की रिलेशंस। अभी तुर्की लिखा है, इसका पहले नाम था टर्की। अभी रिसेंटली ही यूएन ने एक्सेप्ट करा है कि अब से इसका नाम क्या बुलाया जाएगा, तुर्की। बिकॉज उन्होंने टर्की से तुर्की नेम के लिए अप्लाई करा था, टर्की कंट्री। तो अगर अपन बात करें डिप्लोमेटिक रिलेशंस की इंडिया और टर्की में, तो ये 1948 में ही स्टेब्लिश हो गए थे और काफी नॉर्मल रिलेशंस चल रहे थे। पॉलिटिकली अगर और बायलेटरली अगर बात करें तो काफी अच्छे रिलेशंस चल रहे थे। बट अगर बात करें रिसेंटली ही थोड़े से रिलेशंस खराब हुए इंडिया और टर्की में। क्यों हुए? बिकॉज टर्की ने हमेशा पाकिस्तान को सपोर्ट प्रोवाइड करा यूएन में, यूनाइटेड नेशंस में। टर्की ने हमेशा पाकिस्तान को कश्मीर के इशू को लेके सपोर्ट प्रोवाइड करा। इस वजह से इसके जो रिलेशंस इंडिया के साथ है उसमें थोड़े से खराब रिलेशंस हुए हैं। अभी बात अगर करें एम्बेसी की, तो अपनी इंडिया की जो एम्बेसी है टर्की में वो अंकारा में है। अंकारा क्या है? टर्की का कैपिटल है। और एक कॉन्सुलेट भी है इस्तांबुल में। इस्तांबुल क्या, एक प्रकार से कल्चरल हब है टर्की का। वहीं अगर टर्की के एम्बेसी की बात करें इंडिया में, तो वो न्यू दिल्ली में है। और टर्की का एक कॉन्सुलेट भी है, वो कि मुंबई में है। 2015 के अगर डेटा की बात करें तो इंडिया और टर्की के बीच में जो अभी ट्रेड है वो अराउंड 6.26 मिलियन बिलियन यूएस डॉलर्स अभी चल रहा है, जो कि इतना ज्यादा नहीं है, नॉर्मल है, इतना ज्यादा नहीं है। अब बात करते हैं बाइलेटरल ट्रेड रिलेशंस की, मींस दोनों में भी ट्रेड कैसा चल रहा है, कैसा उसका रिलेशंस है। तो सबसे पहले अगर देखें तो स्टार्टिंग में ही जब दोनों को इंडिपेंडेंस मिला तो ये दोनों कंट्रीज क्या थी, डेवलपिंग थी। 1948 में जब इनमें डिप्लोमेटिक रिलेशन स्टेब्लिश हुए, दोनों डेवलपिंग थी। दोनों ने आपस में डिस्कस करा कि दोनों को एक ऐसा रिलेशंस बनाना चाहिए जिससे दोनों को म्यूचुअल बेनिफिट मिलना चाहिए और एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए। फिर बात करें कि इंडिया एक काफी डेवलपिंग कंट्री है, साथ में इसकी पॉपुलेशन बहुत है। इकोनॉमी की बात करें तो काफी अच्छी इकोनॉमी है। इस वजह से जो साउथ एशिया में टर्की ने एक चेंज लाया कि हमें किस कंट्री को सपोर्ट करना चाहिए, तो टर्की ने क्या करा, अपना रुख जो है इंडिया की तरफ बढ़ाया था। बात अगर करें पाकिस्तान और बांग्लादेश से, इसके हमेशा हिस्टोरिक टाइज रहे थे, टर्की के हमेशा हिस्टोरिक टाइज रहे थे पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ, मोस्टली बिकॉज ये सब मुस्लिम कंट्रीज है। ओआईसी का मेंबर है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉपरेशन। इसका वीडियो पहले से ही आपको चैनल पे मिल जाएगा। फिर अगर बात करें 2012 की भी बात है, जो टर्की के एम्बेसडर थे टू इंडिया, उन्होंने एक राय रखी। वो चाहते थे कि इंडिया और टर्की के बीच में जो फ्लाइट्स है वो डबल हो जाए, और उन्हें चार और पॉइंट्स बताए थे कि मींस चार और ऐसे एयरपोर्ट्स बताए थे कि यहां से भी डायरेक्ट फ्लाइट टर्की के लिए, इस्तांबुल के लिए होनी चाहिए। अगर दो कंट्री के बीच में डायरेक्ट फ्लाइट है, इसका मतलब यह कि उनके अच्छे खासे डिप्लोमेटिक रिलेशंस है। तो वो चार जगह कौन कौन सी थी, हैदराबाद, चेन्नई, कोलकाता और बेंगलुरु। यहां से भी टर्की की डायरेक्ट फ्लाइट्स आपको इस्तांबुल की मिल जाएगी। साथ ही बात करें तो अभी दोनों देशों के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी होने का अभी बात हो रही है। मीन्स अभी हुआ नहीं है, बट इसके ऊपर चर्चा हो रही है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के ऊपर। अगर कुछ अपन इन्वेस्टमेंट्स की बात करें, बायलेटरल ट्रेड रिलेशंस में सबसे महत्वपूर्ण होता है इन्वेस्टमेंट्स, और होता है एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट काफी इंपॉर्टेंट होता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट किसी भी दो देशों के रिलेशंस में। तो अगर अपन बात करें इंडिया और टर्की के फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को लेकर, तो टर्की इंडिया के लिए 41th पोजीशन पे आता है। मींस टर्की से कितना निवेश आता है इंडिया में, दैट इज 41th, अगर अपन बाकी कंट्रीज में कंपेयर करें तो। इंडिया के अराउंड 150 रजिस्टर्ड कंपनीज है जो टर्की में ऑपरेट कर रही है, जैसे टाटा मोटर्स हुआ, महिंद्रा एंड महिंद्रा हुआ, रिलायंस हुआ, आदित्य बिरला ग्रुप हुआ, तो ये सब भी टर्की में ऑपरेट कर रही है। अब अगर बात करें इंडिया टर्की रिलेशंस में कॉपरेशन इन स्पेस टेक्नोलॉजी, तो एक काफी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुआ था 2009 में, जब टर्की ने अपनी एक सेटेलाइट बनाई थी, नैनो सेटेलाइट थी, एक स्मॉल सेटेलाइट थी, नैनो सेटेलाइट, जिसका नाम क्या था, ITUPSAT-1।
ये सैटेलाइट का नेम था, और इस सैटेलाइट को लॉन्च किसने करा था, सबसे इंपॉर्टेंट, इस सैटेलाइट को लॉन्च करा था इसरो ने, इंडिया की स्पेस एजेंसी ने इसको लॉन्च करा था। साथ में टर्की ये भी चाहता है कि हमारी और भी जितनी सैटेलाइट्स आए वो इसरो के द्वारा लॉन्च करी जाए। तो टर्की काफी चाहता है कि जो कॉपरेशन है इंडिया के साथ स्पेस टेक्नोलॉजी को लेकर, ये काफी बढ़ना चाहिए। फिर बात करें डिफेंस कॉपरेशन की, सो डिफेंस कॉपरेशन में काफी बार एग्रीमेंट साइन हुए इंडिया और टर्की के प्राइम मिनिस्टर के बीच में। इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर और टर्की के फॉरेन मिनिस्टर काफी बार मिले, उन्होंने कहा है कि हमें काफी क्लोज टाइज बना के रखने डिफेंस के। अगर अपन डायरेक्शन में बात करें तो, अगर अपन मिलिट्री एक्सरसाइज की बात करें, देखो डिफेंस कॉपरेशन में सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस दो देशों के बीच में हो रही कि नहीं हो रही है। तो जैसे यूएसए इंडिया की बात करें इसमें होती है, रशिया इंडिया में होती है, तो वो मिलिट्री जो एक्सरसाइजेस हो रही है क्या वो इन दो देशों के बीच में हो रही है? हाँ, एक लो प्रोफाइल मिलिट्री एक्सरसाइज हो रही है, मीन्स इतनी वो फेमस नहीं है, ना ही इतना ज्यादा इन्वॉल्वमेंट होता है इधर मिलिट्री पर्सनल का, बट फिर भी अभी स्टार्टिंग फेज है, चल रही है मिलिट्री एक्सरसाइजेस। इसका नाम क्या है? पास एक्स। ये मिलिट्री एक्सरसाइज, ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस है जो इंडिया और टर्की के बीच में होती है, और ये नेवल एक्सरसाइज है, मीन्स दोनों की नेवीज इसमें इन्वॉल्व होती है। तो मुझे लगता है कि आपको अच्छा नॉलेज हो गया होगा इंडिया टर्की रिलेशंस का। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय एंड ऑल द वेरी बेस्ट।